फ्रेंड, कैसे हो आप सब। AS बुटीक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पोटली बटन बनाना बताऊंगी। ये मैंने ढाई ढाई इंच के दो पीस कटिंग किए हैं। ये मैंने दो कलर के पीस इसलिए कटिंग किए हैं, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। ये देखिए, और ये बंचा, मैं इसकी सहायता से पोटली बटन बनाना बताऊंगी। और मैंने इसके ऐसे दो पीस कटिंग कर लिए हैं गोल गोल। ये मैंने कोई मार्केट से नहीं ली है, ये मुझे मेरे घर पर ही मिल गई थी। तो सबसे पहले तरीका यह है, कपड़े के बीचों बीच ऐसे निशान लगाएं। चाहे तो आप इंची टेप की सहायता से गोल सर्कल बना लें। फिलहाल मेरे पास ये खाली क्यूब है, मैं इसको ऐसे बीचों बीच रख कर ऐसे मार्क कर लूँगी। और फिर एक सुई की सहायता से जहाँ जहाँ पर मैंने ये मार्क किया हुआ है वहाँ पर मैं ऐसे टांगे भर दूंगी, ऐसे ढीले ढीले हाथ से। और सुई को नीचे की ओर से ऐसे, और फिर जो हमने स्पंज कटिंग की थी इसको ऐसे बीच में रखकर अपने अंगूठे को ऐसे अंदर की ओर करके और धीरे धीरे धागे को ऐसे खींचे ऐसे। ध्यान रहे धागा टूट ना जाए। ये देखिए, और ये जो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखिए फ्रेंड्स। और दूसरा तरीका ये है, आप ये लीजिए इस स्पंज को ऐसे रखिए, एक सुई की सहायता से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पोटली बटन तैयार हो चुके हैं। चाहे तो आप इसे ये कॉटन की छोटी छोटी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके वैसे पोटली बटन बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,